एक लड़की अपने हस्बैंड से पैसे चुरा कर एक रिमोट से टाउन में रहती है। वहां पर उसे एक बॉयफ्रेंड मिला जिसे वो अपने हस्बैंड को मारने का काम देती है। इसी स्टोरी लाइन के साथ आज की हमारी मूवी द लास्ट सिडक्शन एक हॉलीवुड मूवी आती है। ये बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक अच्छी थ्रिलर है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्ले, एक सुनसान सी जगह पर डील करने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली वो डॉक्टर है और एक फार्मेसी से उसने बहुत सारे ड्रग्स चुरा लिए थे। इन्हीं ड्रग्स को सेल करने के लिए वो आया हुआ है। कुछ गुंडे आकर उससे ड्रग्स ले लेते हैं, उसे वो पैसे नहीं देते। क्ले को लगा कि अब उसे मार डालेंगे, पर पैसे नीचे फेंक कर वहां से चले गए। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये 700,000 डॉलर्स थे जिससे क्ले और उसकी वाइफ की लाइफ बन जाएगी। क्ले की वाइफ का नाम है ब्रिजेट, जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। ब्रिजेट एक सेल्स कंपनी में मैनेजर थी। वो घर पर क्ले का वेट कर रही थी, थोड़ी देर में पहुंचा और बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। क्ले ने अपने शर्ट में ही सब पैसे रखे हुए थे। वह सब पैसे निकालता है तो ब्रिजेट ने कहा, तुम बहुत ही बड़े इडियट हो। इस पर क्ले गुस्सा हो गया, उसे जोर से स्लैप करता है। तुरंत बाद उसे अपनी गलती रियलाइज हुई, उसे सॉरी कहता है। उसने कहा कि वो लोग बहुत ही डेंजर थे, मैं अभी भी शॉक में हूँ। ब्रिजेट भी मान जाती है। उसने कहा इन पैसों को हमें सही से रखना चाहिए। अब जब क्ले शावर लेने के लिए गया तो ब्रिजेट उसके लिए एक लेटर लिखकर सब पैसे लेकर चली जाती है। शावर से बाहर आने पर क्ले बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ब्रिजेट ने डिसाइड किया था कि अपनी सिस्टर के टाउन में जाकर रहेगी, पर आज बहुत ही लेट हो चुका है। वो एक छोटे से टाउन में पहुंची, वही के बार में जाती है। इसी बार में हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है माइक। माइक का अभी अभी डिवोर्स हुआ था और वो फिर से इस टाउन में आ चुका है, पर ये टाउन उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपने फ्रेंड्स के साथ था, पर उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में उसने ब्रिजेट को देखा। ब्रिजेट बारटेंडर से ड्रिंक मांगती है, पर बारटेंडर ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। फिर माइक ने जाकर बारटेंडर से प्लीज कहा। इस टाउन में हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, इसलिए ब्रिजेट ने रूडली पूछने पर बारटेंडर ने उसे ड्रिंक नहीं दिया था। इस बात से ब्रिजेट अनॉय हो गई। माइक ने उसे अप्रोच किया, पर ब्रिजेट उसे चली जाने के लिए कहती है। माइक परसिस्टेंट था। ब्रिजेट ने कहा, तुम जैसे काउबॉय में मैं इंटरेस्टेड नहीं। माइक उसे डायरेक्टली कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ब्रिजेट ने उसे अपने पास बिठा लिया। वो यहीं पर उसे प्लीज करने लगती है। माइक के घर जाकर ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह माइक के घर से ब्रिजेट ने लॉयर को कॉल लगाया। वो लॉयर को सब कुछ सिचुएशन बताती है कि अपने हस्बैंड से पैसे चुरा कर वो भाग आई है, अगर उसे सही से स्पेंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा। लॉयर ने कहा, तुम इसे डिवोर्स ले लो, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो पूछती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। लॉयर कहता है 2 साल तक लग सकते हैं, पर ब्रिजेट के पास इतना टाइम नहीं था। लॉयर कहता है सब कुछ फास्ट हुआ तो 6 मंथ्स में तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। उसने उसे एडवाइस दी कि जब तक डिवोर्स हो नहीं जाता तब तक ऑब्वियस प्लेसेस से दूर रहे। इसका मतलब ब्रिजेट अपनी सिस्टर के पास जाने वाली थी, पर अब वो जा नहीं सकती। इस टाउन में रहना उसके लिए सही होगा। माइक को कुछ भी ना बताए हुए ब्रिजेट वहां से चली गई। टाउन में आकर एक न्यूज़पेपर से उसे जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला। वहां जाकर वो इंटरव्यू देती है। उसे जॉब मिलने के बाद इंटरव्यूअर से उसने कहा, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, इसलिए मैंने अपना नाम बदल दिया है। कंपनी के रिकॉर्ड में भी वो अपना अलग नाम रखेगी, इससे क्ले कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अपना नाम वो वेंडी क्रॉय रखती है। उसमें एक टैलेंट है, इस शब्दों को उल्टा कर देती है। न्यूयॉर्क को अगर वो उल्टा करे तो न्यू का वेन होता है, तो उसने उसे वेंडी कर दिया और यॉर्क का क्रॉय। इसी ऑफिस में वो माइक से मिली। माइक भी यही काम करता है। सबके सामने उसे बात नहीं करना चाहती, तो प्राइवेट में लेकर आई। उसे कहती है, कल जो भी हुआ ये तुम्हारी इमेजिनेशन तुम समझ लेना। वो अब यहाँ काम करती है तो माइक से कोई भी ट्रबल नहीं चाहती। ब्रिजेट ने फिर से अपने लॉयर को कॉल किया। लॉयर कहता है, मैंने क्ले को सब पेपर्स वगैरह तो भेज दिए हैं, पर वो बहुत ही गुस्सा था, तुम्हें उसे शांत करना चाहिए। उसने उसे सलाह दी कि डायरेक्टली अपनी लोकेशन से कॉल मत करना, वरना वो ट्रेस कर सकता है। ब्रिजेट को लगता है कि क्ले उतना स्मार्ट नहीं है। उसने डायरेक्टली क्ले को कॉल लगाया, पर क्ले ऑपरेटर से पूछता है कि कॉल आया कहाँ से। ब्रिजेट फिर से कट कर देती है। रात में जब वो बार में गई तो फिर से माइक से मिली। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इस तरीके से इनका मिलना कंटिन्यू हुआ था। माइक कहता है, मुझे ये सब गलत लगता है,
हम दोनों में सिर्फ इंटीमेट होने की रिलेशनशिप है, ऐसा तुम करती क्यों हो? ब्रिजेट ने कहा, मैं पहले प्यार में बहुत ही हर्ट हो चुकी हूँ, फिर से होना नहीं चाहती। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। माइक ये सुनकर सीरियस हो गया था, पर ब्रिजेट हंस देती है, कहती है हमारी रिलेशनशिप जो भी है इसे इसी तरीके से चलने दो, इसे और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बेचारा माइक कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रिजेट एक्चुअल में फील क्या करती है। माइक ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में चीजें जाननी है। उसे फोन बिल से पता चल गया था कि ब्रिजेट न्यूयॉर्क से है। अगले दिन ब्रिजेट ने क्ले को कॉल लगाया, पर क्ले ये भी ट्रेस कर रहा था। ब्रिजेट ने कहा, मुझे नीचे के पब्लिक फोन का नंबर दो, वही मैं कॉल करती हूँ। क्ले ने फोन के कनेक्शन घर में बनवा लिए थे, उसके पास एक डिटेक्टिव था जो इस कॉल को ट्रेस कर रहा है। क्ले ने ब्रिजेट से कहा कि हमारे ऊपर $100,000 का लोन है, हर वीक इन्हें $10,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि लोन उन्होंने गुंडे से लिया था। ब्रिजेट ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे लोन के पैसे दे दूंगी, ऊपर से और भी कुछ देने वाली है, पर वो इसके बदले में डिवोर्स चाहती थी। क्ले ये मानता नहीं। अचानक से उसके घर के फोन बजने लग गए। ब्रिजेट समझ गई कि इस कॉल को ट्रेस कर रहा है और उसने कनेक्शन बंद कर दिया। वो तुरंत अपने लॉयर को कॉल करती है, कहती है कि मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई होगी। लॉयर कहता है शायद सिर्फ तुम्हारा एरिया कोड उसे पता चल गया होगा, पर उस एरिया कोड में 1 करोड़ लोग रहते हैं, वो तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, जहाँ हो वहाँ सेफ हो वहीं रहो। ब्रिजेट माइक के साथ इंटीमेट तो होती है, पर ऑफिस में उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। माइक उसका हाथ पकड़ता है तो ब्रिजेट जोर से चिल्लाती है जैसे किसी स्ट्रेंजर ने उसका हाथ पकड़ा हो। नेक्सिन में क्ले अपने डिटेक्टिव को कह रहा था कि उस एरिया कोड में जाकर वो ब्रिजेट को ढूंढे। डिटेक्टिव कहता है उसे वहां ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए था। क्ले को पता है कि ब्रिजेट हमेशा नाम उल्टे ही कर देती है। उसके अलग नाम वेंडी क्रॉय के बारे में पता चल गया। वो डिटेक्टिव को इसके बारे में बता देता है। रात में हम देखते हैं कि ब्रिजेट और माइक जब बार में थे तो माइक उस पर गुस्सा था, तो ब्रिजेट ने सॉरी कह दिया। माइक कहता है प्लीज मुझे सब कुछ बता दो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम यहाँ इस टाउन में आई क्यों? ब्रिजेट उसे सच बता रही थी, पर माइक उस पर बिलीव नहीं करता। कहता है तुम हमेशा मुझसे झूठ ही कहती हो। उसने कहा इंश्योरेंस सेटल करने के लिए मैं ग्लेडी के पास गया हुआ था, मुझे फोन रिकॉर्ड से पता चला उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था, उसने मेरे पास अपना दिल हल्का किया, तुम भी मुझे सब कुछ बता सकती हो। माइक क्रेडिट कार्ड बिल से बहुत सारी चीजें बता सकता है, इसके लिए मैं ब्रिजेट इंटरेस्टेड थी। वो फिर उसे उसके ऑफिस में लेकर आई। वो कहती है कुछ ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स निकालो जो अपने वाइफ पर चीट कर रहे हो, उनका इनकम भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। माइक पूछता है कि ये सब क्यों? ब्रिजेट ने कहा कि मैं उनके वाइफ को बता दूंगी कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, इसके बाद मैं उसे एक ऑफर दूंगी अपने हस्बैंड को मारने के लिए। माइक को बहुत ही अजीब लगता है, पर ब्रिजेट ने एक्चुअल में कर दिखाया। फोन के लास्ट में वो कहती है ये सिर्फ एक मजाक था। आज रात ये दोनों ब्रिजेट के घर में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। ये माइक को अच्छा लगा था क्योंकि ब्रिजेट अपने घर पर कभी भी उसे लेकर नहीं जाती थी। ब्रिजेट माइक से पूछती है तुम्हारे एक्स वाइफ के साथ क्या हुआ? माइक कहता है कि उसने मुझ पर चीट किया था। ब्रिजेट उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों चूज किया, मुझ में ऐसा स्पेशल क्या है? माइक कहता है कि तुम न्यूयॉर्क से हो और तुमने भी मुझे चूज किया, मुझे हमेशा से पता है कि मैं इस टाउन में बिलोंग नहीं करता, उसे बड़ी सिटी में जाकर रहना था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्ले का डिटेक्टिव ब्रिजेट को ढूंढते हुए उसके टाउन में पहुंच चुका है। अगली रात जब ब्रिजेट माइक के साथ थी तो उसने कहा कि मैंने और एक सेल किया, मतलब उसे एक हस्बैंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माइक कहता है कि यह सब गलत है, इस सब से दूर रहना चाहता है। ब्रिजेट ने कहा इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी, वो 100% करने ही वाली है। माइक इस बात पर गुस्सा हो गया और यहाँ से वो चला जाता है। माइक के जाने के बाद ब्रिजेट को डिटेक्टिव ने ढूंढ लिया, उस पर गन लगाकर पैसों के पास लेकर जाने के लिए कहता है। ब्रिजेट उसे बैंक में लेकर जा रही थी तभी गाड़ी में उसके साथ बात करने लग गई। वो बातें कर उसे सीड्यूस कर दिया ब्रिजेट के साथ इंटीमेट होने के लिए। जब डिटेक्टिव ने अपना सीट बेल्ट निकाला तो ब्रिजेट बहुत ही जोर से गाड़ी चलाती है, उसने गाड़ी एक पेड़ से टकरा दी। डिटेक्टिव गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद भी ब्रिजेट सेफ थी। हॉस्पिटल में माइक उसे मिलने के लिए आया। ब्रिजेट फिर से मर्डर के बारे में बात कर रही थी, उसे समझाने के लिए कहती है
बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे को मारते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। वह हमेशा इस टाउन में नहीं रहना चाहती। अगर माइक को उसके साथ रहना तो उसे उसे हेल्प करनी ही पड़ेगी। ब्रिजेट के घर आने के बाद उसे फिर से क्ले का कॉल आता है। वो कहता है, अब तुम्हारे पीछे और एक डिटेक्टिव है। ये डिटेक्टिव ब्रिजेट के घर के सामने था। क्लेम मानने वालों में से नहीं, उसे अपने आधे पैसे चाहिए ही है। वो इसे फिर से लोन के बारे में कहता है। ब्रिजेट ने कहा, मुझे एक वीक दो, यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट कर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। अपने घर के सामने के डिटेक्टिव से पीछा छुड़ाने के लिए ब्रिजेट उस डिटेक्टिव के पास गए। उसे वो कुछ कुकीज देती है। इसी बहाने उसने उसके गाड़ी के नीचे बहुत सारे नेल्स डाल दिए थे। उसने एक टैक्सी ली। जब डिटेक्टिव उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो उसका टायर पंचर हो गया। वो एक टाउन में आकर एक लड़की से मिली। ये एक्चुअल में माइक की एक्स वाइफ थी। रात में माइक अपने फ्रेंड के साथ बार में था। उसके एक फ्रेंड ने कहा, ब्रिजेट ने मुझसे बात की थी, वो तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती थी। उसने कुछ भी बताया नहीं था। फ्रेंड मजाक में कहता है कि वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी। माइक इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने फ्रेंड को बहुत मारा। माइक ने ब्रिजेट को कॉल लगाया पर वो पिकअप नहीं करती, तो उसने मैसेज छोड़ा। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ पर तुम भी कुछ भी कमिटमेंट दिखाती नहीं। तुमने मुझे अब तक आई लव यू भी नहीं कहा। ब्रिजेट फिर अपना नोटपैड लेकर उस पर आई लव यू माइक लिखती है। उसे पता था कि रात में माइक उसके घर पर आ जाएगा। वो घर में ही छुप गई थी। माइक ने सब कुछ देखी तो ब्रिजेट का नोटपैड में वो उसे प्यार करती है इसके बारे में उसे पता चला। ब्रिजेट उसे मैनिपुलेट कर रही है। अगले दिन जब वो फिर से आया तो ब्रिजेट घर में उसे मिली। ब्रिजेट ने उसे कहा था कि मैं वीकेंड के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ, पर वो गई नहीं। इस बात से माइक सरप्राइज था। उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी? ब्रिजेट ने कहा कि मैं एक हस्बैंड को मारने के लिए गई थी। उसे मारने के बाद मुझे बहुत सारे पैसे भी मिले, जो पैसे उसने क्ले से चुराए हैं। ये पैसे वो माइक को दिखा देती है। उसने गुस्से में माइक को घर से निकाल दिया। माइक ब्रिजेट के प्यार में अंधा हो चुका था। अगले दिन आकर उसे वो बात करता है। कहता है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ब्रिजेट ने कहा, इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही कमिटमेंट दिखा रही हूँ, अगर तुम भी कमिटमेंट दिखाओ तो हमेशा हम एक साथ रहेंगे। वो माइक को एक मर्डर करने के लिए कहती है और ये आदमी क्ले था। वो कहती है, क्ले अपने वाइफ को बहुत मारता है, इसी वजह से उसे मारना चाहती है। ब्रिजेट ने फिर माइक को सब इंस्ट्रक्शन दिए कि जब तुम जाओगे तो क्ले का मुंह बंद कर देना, उसे कुछ भी बोलने मत देना, पूरा घर तुम दहेज नहस कर देना, जैसा लगे तुम वहां चोरी करने के लिए गए थे। माइक फिर न्यूयॉर्क में पहुंच गया। उसे लगा कि ब्रिजेट घर पर ही है, पर ब्रिजेट भी उस पर नजर रख रही थी। वो क्ले के घर में जाकर उस पर बंदूक लगाकर उसे हाथ पैर बांध देता है। उसने उसका मुंह भी बंद कर दिया। माइक बहुत ही नर्वस हो गया था। उसने ब्रिजेट का नाम लिया और कहा कि मैं कर नहीं सकता। इस बात से क्ले सरप्राइज था। वो जल्दी से उठकर अपने घर में की ब्रिजेट और उसकी फोटो माइक को दिखाता है। माइक ने फिर उसकी पट्टी खोल दी। क्ले ने उसे सब कुछ सिचुएशन बता दी। वो कहती है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है, वो शायद अब तुम पर नजर रख रही होगी। जब तुम मुझे मार डालोगे तो पुलिस को कॉल कर देगी, शायद तुम मुझे मारने के बाद उसे कुछ सिग्नल लोगे। नीचे से ब्रिजेट सचमुच में सब कुछ देख रही थी। माइक और क्ले ने मिलकर घर के लाइट्स बंद कर दिया। ब्रिजेट जब घर पर आए तो उसे कन्फ्रंट करते हैं। क्ले ब्रिजेट से कहता है, तुमने लाइन क्रॉस कर दी, तुम्हारा मुझे धोखा देने के बाद भी हम एक मैरिड कपल रह सकते थे, मैं तुम्हें माफ कर देता। ब्रिजेट क्ले के पास गए, उसके मुंह में उसने पॉइजन स्प्रे कर दिया, इससे उसकी डेथ हो गई। माइक बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है, तुम ह्यूमन नहीं हो। ब्रिजेट उसे रिझाने लग जाती है। उसे अभी के अभी उसके साथ इंटीमेट होना था। माइक ये करने के लिए मना करता है। मूवी में हमने देखा था कि ब्रिजेट माइक की एक्स वाइफ को मिलकर आई थी। उसे पता चला कि माइक ने उसकी वाइफ पर चीट किया था। चीट किया तो किया, पर एक आदमी के साथ। माइक ने जब रियलाइज किया कि शायद वो गे है, उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया था। अपने वाइफ को छोड़कर फिर से अपने टाउन में वापस आ गया। ब्रिजेट ने माइक से कहा, तुम्हारी एक्स वाइफ से मुझे पता है तुम नामर्थ हो। माइक गुस्सा हो जाता है और यही उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। इंटीमेट होते वक्त ही ब्रिजेट पुलिस को कॉल कर देती है। उसने इस कॉल पर इस तरीके से प्रिटेंड किया कि माइक उसका रेप कर रहा है। पुलिस एक कॉल ट्रेस करते हैं और जल्दी से वहां पर पहुंच गए। इसके बाद माइक डायरेक्टली जेल में था, अपने लॉयर से बात कर रहा था। जो भी जिस तरीके से हुआ,
इसके बारे में उसने अपने लॉयर को सब कुछ बताया, पर लॉयर कहता है तुम्हारे पास ब्रिजिट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। वो इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकता था। जो भी कुछ थोड़े फार सबूत थे ये ब्रिजिट ने मिटा दिए हैं। इसके बाद सारे पैसे लेकर ब्रिजिट एंजॉय करते हुए हम देख सकते हैं माइक ब्रिजिट के प्यार में पूरी तरीके से अपने सेंसेस खो चुका था। क्या गलत क्या सही उसे समझ में नहीं आया। ब्रिजिट तो एक बड़ी साइकोपैथ थी ही, तो उसने माइक को फ्रेम कर दिया। क्ले के मर्डर का इल्जाम ही माइक पर आ जाता है। सबको लगा कि माइक चोरी करने के लिए इनके घर पर गया हुआ था। उसने क्ले को मार डाला और ब्रिजिट का रेप करने की कोशिश की। ब्रिजिट के क्राइम की सजा माइक को भुगतनी पड़ी। ब्रिजिट ने जब मर्डर के बारे में बात की तभी उसे छोड़ देना चाहिए था। ये गलती उसे बहुत ही कॉस्टली पड़ी। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।